राजधानी के वैशाली नगर इलाके में बीती रात डीसीपी ट्रैफिक राहुल प्रकाश की ओर से संदिग्ध स्कॉर्पियो कार पर की गई फायरिंग के मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने संदिग्ध कार जब्त कर ली है। साथ ही जांच में सामने ये भी आया है कि कार में सवार कोई बदमाश नहीं बल्कि 12वीं क्लास छात्र निकला। छात्र का नाम योगेंद्र है जो कि वैशाली नगर इलाके के सिंह कॉलोनी का रहने वाला है। छात्र रात को अपने पिता की गाड़ी लेकर निकला था लेकिन पुलिस की गाड़ी को देखकर वह डर गया और भागने लगा। छात्र ने पुलिस को बताया कि पुलिस की ओर से की गई फायरिंग की भी उसे जानकारी नहीं थी। आपको बता दें कि डीसीपी ट्रैफिक रात को वैशाली नगर इलाके में स्कॉर्पियो कार में संदिग्ध गतिविधि नजर आई। इस पर कार सवार भागने लगा। डीसीपी राहुल प्रकाश ने कार को रोकने की भी कोशिश की लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी, जिसके बाद डीसीपी ट्रैफिक ने कार पर फायरिंग कर दी। बाद में कार नंबर सामने आने पर पुलिस ने फरार शख्स को कार समेत गिरफ्तार कर लिया।